आप सभी का एके कंप्यूटर्स पर स्वागत है। आज हम लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो डिजिटल सर्किट्स होते हैं उनके अंदर लॉजिक गेट्स का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने पढ़ा है कि गेट 11 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारे लैपटॉप डेस्कटॉप में मोस्टली क्या है, 3 प्रकार के गेट का यूज किया जाता है, एंड गेट का, और गेट का, नॉट गेट का। तो यहाँ पर आपके सामने जो पिक्चर शो हो रहा है ये हमारे गेट्स हैं, ये और गेट है, ये आपके और गेट को दिखाया गया है, या आपके नॉट गेट को दिखाया गया है, या आपके एंड गेट को दिखाया गया है, नैंड गेट, XOR, XNOR, बफर, नॉट गेट। मोस्टली क्या है, नॉट गेट, एंड गेट और गेट, इनका यूज हमें ज्यादा मिलता है। तो वन बाय वन हम इनका अध्ययन करेंगे कि ये किस तरह होते हैं, किस तरह इनका फंक्शन होता है, किस तरह इनका फॉर्मूला होता है जिस बेसिस पर ये काम करते हैं। डिजिटल सर्किट्स में इसका उपयोग होता है। हमारा डिजिटल सर्किट्स है वो 0 और 1 को जानता है। 0 और 1 से मतलब, 0 का मतलब है लो से और 1 का मतलब है हाई से, हाई का मतलब इस तरह से और लो का मतलब इस तरह से। और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, इन 5 प्रकार के गेट का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे, इनको जानेंगे। डिजिटल डिवाइसेस वर्क ओनली इन 2 स्टेट्स, मतलब जो हमारा डिजिटल डिवाइसेस होती है वो 2 स्टेट्स पर वर्क करती है, ऑन और ऑफ। देयर ऑपरेशन इज वेरी सिंपल एंड रिलायबल। पावर रिक्वायरमेंट ऑफ डिजिटल सर्किट इज वेरी लो, मतलब हमारा जो डिजिटल सर्किट है वो बहुत ही कम पावर पर काम करता है। लॉजिकल वेरिएबल कैन अज्यूम ओनली 2 पॉसिबल वैल्यूज, 0 और 1। 0 को हम क्या बोलेंगे, लो, और 1 को हम क्या बोलेंगे, हाई। चलते हमारे फर्स्ट गेट पर, और गेट। और गेट का सिंबल इस प्रकार से होता है, इस साइड पे आप देख रहे हैं ये इनपुट होते हैं। इस पे फिलहाल 2 इनपुट को दिखाया गया है, इनपुट ए, इनपुट बी, और हमें रिजल्ट में आउटपुट निकलता है वो वाई से दिखाया गया है। इसका फॉर्मूला हम देखें, मतलब ये और गेट है किस फॉर्मूले पे काम करता है, तो इस पर जो भी इनपुट आते हैं ये उनको ऐड करता है, तो आउटपुट में हमें जो रिजल्ट मिलेगा y इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये y इज इक्वल टू ए प्लस बी क्या है, इसका बुलियन एक्सप्रेशन है। बुलियन एक्सप्रेशन का मतलब फॉर्मूला मान सकते हैं, या क्या प्रोग्राम और गेट के अंदर होता है वो हम समझ सकते हैं। सपोज मान के चलिए मैं इनपुट का वैल्यू a इक्वल टू 0 लो करता हूँ, b इक्वल टू 0, दोनों में इनपुट लो करता हूँ, तो आउटपुट क्या मिलेगा हमें, 0 प्लस 0। 0 प्लस 0 का मतलब वापस हमें 0 मिलेगा, तो आउटपुट में हमें 0 मिलेगा, तो वापस हमें क्या मिलेगा, लो। दोनों इनपुट लो थे तो आउटपुट भी हमें लो मिला। y इक्वल्स टू 1 प्लस 0, मतलब a का वैल्यू मैंने हाई ले लिया और b को मैंने लो ले लिया, तो इनको जोड़ेंगे, 1 प्लस 0 1 आया, 1 का मतलब क्या, और आउटपुट में हमें हाई प्राप्त होगा। y इक्वल्स टू 0 प्लस 1, a को मैंने 0 ले लिया, b को 1 लिया, मतलब a को लो लिया, b को हाई लिया, तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, हाई। मैंने a को भी हाई ले लिया, b को भी हाई ले लिया, तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास। अब डिजिटल जो सर्किट्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, 0 और 1 ही होता है। 0 और 1 से वापस चलते हैं तो वापस वो 0 हो जाता है, फिर वापस 1 होता है, तो यहाँ पर क्या हुआ, दोनों हाई थे, तो 1 और 1, इस तरह से हम इनको ऐड करते हैं, तो 1 और 1 मिलके तो क्या होते हैं, अपने डिजिट, अपने नॉर्मली जो मैथमेटिक्स में 1 और 1 मिलके 2 होते हैं, लेकिन यहाँ पर सिक्वेंस क्या है, 0 1 0 1 में ही चलता है और नंबर्स नहीं होते हैं, तो 1 प्लस 1 के बाद में
वन के बाद में यहाँ पे क्या आता है, जीरो, तो वन प्लस वन हुआ जीरो, और यहाँ पर वन दोनों हाई थे, वन वन जीरो हुआ तो एक कैरी लगा, तो एक कैरी जो लगा ना उसको हम आगे लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या था वन प्लस वन का मतलब टू आना था, तो टू में से हमने यहाँ पर एक नंबर को यहाँ लिख दिया और वन को आगे फॉरवर्ड में कर दिया, मतलब यहाँ पर टू का मतलब इस तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वन प्लस वन नंबर था तो वन के बाद की फिगर क्या आती है जीरो, तो इस नंबर को हमने यहाँ पर लिख दिया फर्स्ट में, इस दो नंबर में से एक नंबर हमने ये कम कर दिया तो एक नंबर हमारे पास बच गया, इसको हमने कैरी में लिख दिया तो वन प्लस जीरो हो गया। अब वन और जीरो, वन और जीरो को वापस आप ऐड करेंगे, वन प्लस जीरो का आप ऐड करेंगे तो वन आएगा, मतलब हाई प्राप्त होगा, मतलब दोनों इनपुट हाई है तो हमें हाई प्राप्त होगा। यहाँ पर इसका ट्रूथ टेबल भी हमने बनाया है, इनपुट ए इनपुट बी दोनों ऐड हो रहे हैं जो कि और गेट की प्रॉपर्टी है, और आउटपुट हमें वही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमने क्या है, हाई लिया, बी को भी हाई लिया, तो जिस हम ऊपर जान चुके हैं हाई 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 मिलता है, वन प्लस वन का मतलब वापस वन ही होता है इसके अंदर, ये समझ सकते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, जीरो प्लस जीरो लो ही होता है, वन प्लस जीरो वन होता है, हाई होता है। एक हमने लो लिया एक हाई लिया तो वापस रिजल्ट हमें हाई प्राप्त हुआ, लो लिया इसको लो लिया तो रिजल्ट में हमें लो प्राप्त हुआ, ये हाई लिया ये लो लिया तो भी हमें हाई प्राप्त हुआ, मतलब एक भी इनपुट इसके अंदर हाई है ना तो आउटपुट हमें हाई प्राप्त होगा, ये चीज हमें और गेट के लिए याद रखना है। मतलब कहीं भी जैसे और गेट आईसी लगा हुआ है अपने सर्किट्स में, अगर उसका उसके सपोज मान के चलिए तीन इनपुट है, तीन इनपुट में से एक इनपुट भी हाई आ रहा है तो आउटपुट हाई निकालेगा, अगर तीनों इनपुट लो आ रहे हैं तो वो लो निकालेगा, और तीनों इनपुट हाई हैं तो वो हाई निकालेगा, मतलब और गेट के अंदर क्या हो गया, एक भी इनपुट हाई मिल गया तो आउटपुट में हमें हाई प्राप्त होगा। तो इस तरह से आईसी काम करता है, अंदर ये फॉर्मूला होता है, ये इसका ट्रूथ टेबल, हम तीन इनपुट पे हमने इसका एक ट्रूथ टेबल बनाया है, ए बी सी तीन इनपुट है इस पे और वाई इसका आउटपुट है, तो देखिए ये लो और ये हाई तो हमें हाई प्राप्त हुआ, ये लो ये हाई ये लो, तो जीरो प्लस वन वन हुआ, वन प्लस जीरो वापस वन हुआ तो हाई प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से इनका टोटल करते हैं, यहाँ पर वन प्लस वन प्लस वन हाई हाई हाई, तीन हाई का जोड़ वापस हाई आएगा, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तीन इनपुट लो है तो आउटपुट लो होगा, तीनों इनपुट लो है तो आउटपुट लो होगा, और तीनों इनपुट में से एक इनपुट हाई है तो आउटपुट हाई होगा, मतलब एक भी इनपुट हाई हो गया तो आउटपुट में हमें हाई प्राप्त होगा, मतलब यही कि कोई भी एक इनपुट आएगा तो आउटपुट निकलेगा, कोई भी एक इनपुट आया तो इस आईसी का फंक्शन जो है वो आउटपुट निकालेगा ही सही। इफ एनी इनपुट हाई देन आउटपुट आल्सो हाई, आपको इस आईसी के बारे में ये याद रख लेना है, आपके सर्किट में कहीं भी लग रहा हो और गेट आईसी का तो आपको डायरेक्टली रिजल्ट पता लग जाएगा। सपोज मान के चलिए यहाँ पर दो डायोड को दिखाया गया है जो कि फॉरवर्ड पोजीशन में है, सपोज मान के चलते हैं यहाँ पर हमारे पास हाई है या कुछ वोल्टेज मान सकते हैं आप, यहाँ पे 3 वोल्ट है तो 3 वोल्ट को इजीली इधर पास कर देगा डायोड का जो थोड़ा बहुत वोल्टेज को लीकेज करता है, लेकिन यहाँ पर हमें वोल्टेज मिल जाएगा। इसको मैं लो ले लेता हूँ, लो से मतलब इसको 0 वोल्ट, इस पर कोई वोल्टेज नहीं है ऐसा मान सकते हैं, तो क्या होगा यही फॉरवर्ड में तो ये वोल्टेज को इधर पास नहीं करेगा क्योंकि वोल्टेज नहीं है अभी इसमें, तो यहाँ पर हमें आउटपुट में क्या प्राप्त होगा 3 वोल्ट, मतलब एक भी इनपुट आ गया तो हमें आउटपुट मिल जाएगा। अगर मैं इसको भी हाई कर देता हूँ 3 वोल्ट, तो 3 वोल्ट इधर निकालेगा 3 वोल्ट इधर निकालेगा, आउटपुट में हमें 3 वोल्ट मिल जाएगा, मतलब एक इन दोनों में से एक भी इनपुट आया तो आउटपुट हमें मिलना ही है। ये रजिस्टर लगा के इसका यहाँ पे प्रोटेक्शन कर दिया गया है, अगर ये रजिस्टर शॉर्ट हो जाता है
या ओपन हो जाता है, तो उस कंडीशन में चीज अलग होगा। अगर ये शॉर्ट हो गया रजिस्टर आपका, तो आपके इस करंट को सीधा ये ग्राउंड कर देगा, आउटपुट में हमें वोल्टेज नहीं मिलेगा। ओपन हो गया तो यहाँ पे वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि इसकी ग्राउंड से कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है। ऐसा यहाँ पर दिखाया गया है, तीन इनपुट लेके एग्जाम्पल बनाया गया है इसके अंदर और गेट का। ये आपके और गेट आईसी को दिखाया गया है सर्किट में, इस तरह से ये 14 पिन का आईसी है, इस तरह से लगा होता है। ये देखिए पिन नंबर 1, पिन नंबर 2 इसके इनपुट पिन है, ये पिन नंबर 1, पिन नंबर 2 इसके इनपुट पिन है। सपोज मान के चलिए ये पिन हाई है और ये पिन भी हाई है, तो यहाँ पे रिजल्ट में हमें हाई मिलना है। इस पर आए हम, पिन नंबर 4 और 5 इसके इनपुट है, ये लो हो रहा है, ये लो हो रहा है, जबकि यहाँ पे इसको हाई होना चाहिए था, इसको भी हाई होना चाहिए था। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, अगर ये लो लो हो रहा है तो रिजल्ट लो आएगा। तो हमें सर्किट को ट्रेस करना है कि इस पिन नंबर 4 पर वोल्टेज क्यों नहीं आ रहा है, किस सर्किट से कहाँ से कनेक्टिविटी है, उसके बीच में कोई रजिस्टर है, डायोड है, इसकी वजह से यहाँ पर सप्लाई नहीं आ रहा है, तो हमारा रिजल्ट चेंज हो रहा है। यहाँ पे लो आने की वजह से हो सकता है इस पिन नंबर 6 से कोई मॉस्फेट को इनेबल कर रखा हो, वो सर्किट पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमारी कहानी बदल जाती है, अगर इसके इनपुट पे चेंजेस हैं तो आउटपुट हमें चेंजेस मिलेगा। तो यही चीज हमें सर्किट पे ट्रेस करना होता है, कोई आईसी लगा हुआ है तो उसके अंदर हम देख लेते हैं किस तरह के गेट का, किस तरह के कॉम्परेटर का यूज किया गया है। अगर यहाँ पर कंडीशन चेंज है तो आउटपुट पे हमें कंडीशन आल्सो चेंज मिलनी है, क्योंकि आईसी के अंदर जो चीज लगा हुआ है वो उसके हिसाब से काम करता है। हाँ, अगर यहाँ पर आपका इनपुट ओके है फिर ये आउटपुट नहीं निकाल रहा पिन नंबर 6, तो आपका आईसी खराब है, उस कंडीशन में आपका आईसी खराब है, तो आपको आईसी चेंज करना है। तो इस तरह से हमारे सर्किट्स में इस तरह से आईसी लगा होता है, जिसके अंदर एक से ज्यादा और गेट का यूज या इनके साथ में दूसरे गेट का यूज भी हो सकता है, डिपेंड करता है सर्किट पर, क्योंकि सर्किट बनाने वाले ने किस आर्किटेक्चर का यूज किया है, उसको क्या फंक्शन इसमें से यूज करना है। तो ये हमारा आईसी था 7432, आप इसकी डेटा शीट नेट से निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए दो ट्रांजिस्टर्स को दिखाया गया है, ए सिंपल 2 इनपुट और गेट। देखिए यहाँ पर इसका ट्रूथ टेबल भी बनाया गया है। यहाँ पर क्या है, जैसा आप इसको देख पा रहे हैं, बेस है, ये हमारा कलेक्टर है, ये हमारा ईमीटर है, ये एरो देख रहे हैं, ये ईमीटर साइड होती है और ये एरो आपकी बाहर की तरफ है, और जब भी एरो बाहर की तरफ होता है तो हम उसको नेक्स्ट मानते हैं। नेक्स्ट से हम यहाँ पर एन को उठा लेते हैं, एन को उठाते पहले हमें ये पता लग जाता है ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये हमारा ट्रिक्स है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है। और जब भी ट्रांजिस्टर का हम हमारे इस यूज होता है, तो हम हमारे दिमाग के अंदर ये तीनों चीज आ जाती है, इमिटर बेस कलेक्टर, इमिटर बेस कलेक्टर, ईबीसी। ईबीसी आपको याद रखना है, इस एबीसी के ऊपर आपको जिस प्रकार का ट्रांजिस्टर है उसको लिख देना है, एनपीएन, पीएन लिख दिया। इस तरह से हम टेबल बना लेते हैं इसका। तो देखिए आपको इसमें से मिडिल पॉइंट पर आना है, मतलब आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर ऑन होने के लिए क्या होना चाहिए, उसका जो बेस है वो पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ये बेस पॉजिटिव होना चाहिए हमारा, तब ये काम करेगा, बेस पॉजिटिव होना चाहिए। ये भी हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है, बेस पॉजिटिव है तो ये ऑन हो जाता है। ऑन होने का मतलब है ईमिटर और कलेक्टर एक हो जाते हैं, इनकी कनेक्टिविटी हो जाती है, इसका मतलब ये है। हमारे ट्रांजिस्टर एनपीएन हो पीएनपी हो, उसका मतलब यही होता है, अगर वो ऑन कंडीशन में है तो उसकी कनेक्टिविटी इमिटर और कलेक्टर की कनेक्टिविटी हो जाती है। इस प्रकार से हम ट्रांजिस्टर को बनाए, ये हमारा कलेक्टर हो गया, ये हमारा इमिटर हो गया, अगर ये एरो अंदर की तरफ है तो हमारा ये कौन सा ट्रांजिस्टर होता है, ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है, पी
एरो अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ को हम प्रीवियस से समझते हैं, प्रीवियस का हम पी लेते हैं, तो पी एन पी यहां पर भी आपको इसके नीचे ईबीसी लिखना है। आपने यहां पर ईबीसी लिखा, आप मिडिल पॉइंट पर आ जाइए, क्या है हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, एन बेस पर, एन मतलब बेस क्या होगा, नेगेटिव, बेस नेगेटिव होगा तो ये ऑन हो जाएगा पीएनपी ट्रांजिस्टर, और बेस ऑन हो गया, बेस पे अगर नेगेटिव है तो ये ऑन हो जाता है, ऑन हो जाता है तो कलेक्टर इमिटर एक हो जाते हैं, और बेस अगर इसका पॉजिटिव हो जाता है तो ये ऑफ हो जाता है। इसी प्रकार एनपीएन को भी आप समझ सकते हैं, ये एनपीएन का बेस अगर पॉजिटिव नहीं है, इस पे नेगेटिव आ गया तो ये क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। ऑफ होने का मतलब कलेक्टर और इमिटर की कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है। इस तरह से हम इनको समझते हैं, क्लियर कर देते हैं। यहां पर देख लेते हैं, हम देखिए ये इनपुट पे हम वोल्टेज देते हैं, सपोज मान के चलिए हम यहाँ पर 3 वोल्ट देते हैं, मतलब हाई दे रहे हैं हम इसको, रजिस्टर लगा हुआ है, रजिस्टर का ओके होना सही आवश्यक है, अगर ये रजिस्टर ओके नहीं है तो वोल्टेज आपका यहाँ तक ही रह जाएगा, इधर नहीं जाएगा। इसका बेस हुआ पॉजिटिव, बेस पे वोल्टेज आ गया तो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया तो ये इसकी कनेक्टिविटी होगी, इसके कलेक्टर इमिटर की कनेक्टिविटी हो गई। तो देखिए यहां पर इसके कलेक्टर पे क्या थी, वीसीसी, वीसीसी का मतलब इसके कलेक्टर पे सप्लाई है, जो भी यहां सप्लाई है वो यहां पर ट्रांसफर हो जाएगी, इमिटर तक आ जाएगी। सपोज मान के चल लेते हम यहां पर 5 वोल्ट मिल रहा है तो यहां पर 5 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। इसको देखते हैं, बीबी हमने क्या ले रखा है, हम अभी इसकी इस टेबल पे आ रहे हैं, इसको भी हमने हाई ले लिया 3 वोल्ट, इस पे भी हमने दे दिया, इसका बेस पॉजिटिव हो गया, बेस पॉजिटिव हो गया तो कलेक्टर इमिटर एक हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहां से देखिए आप, इस पर भी ये वीसीसी सप्लाई आ रहा है, ये कनेक्टिंग पॉइंट यहां से देखिए जुड़ा हुआ है, तो ये 5 वोल्ट यहां तक आ गया। इसका इमिटर, इसका एमिटर यहां पर ज्वाइंट है तो यहां पर आउटपुट में हमें क्या मिल जाएगा, 5 वोल्ट मिल जाएगा। ये रजिस्टर प्रोटेक्शन के लिए लगाया है। अब सपोज मान के चलिए यहां पर ये वोल्टेज नहीं है, यहां पे कोई वोल्टेज नहीं है तो इसका बेस हो गया नेगेटिव तो ये ऑफ हो जाएगा। तो यहां पर देखिए वीसीसी यहां से इसके, क्योंकि यहां पर वोल्टेज ही हाई है तो ये ऑन हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा तो इसके ईमीटर पे 5 वोल्ट और ये ईमीटर वाली लाइन यहां कनेक्ट है तो हमें यहां पर 5 वोल्ट मिल जाएगा। लेकिन ये ऑफ है तो इसका कलेक्टर ईमीटर एक नहीं होगा, लेकिन यहां पर दोनों पॉइंट कनेक्टेड है तो हमें यहां पर रिजल्ट तो मिलेगा ही सही। इसको हम लो ले लेते हैं, इसको भी लो ले लेते हैं, तो ये ट्रांजिस्टर हमारा है जो ऑफ हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा तो ये कनेक्टिविटी नहीं होगी, तो यहाँ के इमिटर पे 0 वोल्ट, यहाँ पर भी 0 वोल्ट, तो आउटपुट में हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा जैसा यहाँ पर ट्रूथ टेबल में बताया है। लो लो पे कोई वोल्टेज नहीं है, हाई हाई पर ये हाई रहेगा, हाई रहेगा तो जिस पर वीसीसी आ रहा था वो हमें मिल जाएगा। इसको हम हाई कर लेते हैं, इसको हम लो कर लेते हैं, इस वाले रिजल्ट पर हम आते हैं। तो देखिए ये हाई है तो यहाँ से 5 वोल्ट यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा तो हमें ये मिल जाएगा। ये लो है यहाँ से यहाँ वोल्टेज नहीं आएगा, लेकिन ये ऊपर से 5 वोल्ट यहाँ पर ऑलरेडी आ रहा है तो हमें आउटपुट में हाई मिल जाएगा। इसी प्रकार 0-1 की कंडीशन है, इसको हम लो लेते हैं तो ये 5 वोल्ट यहाँ नहीं आएगा, लेकिन ये हाई है, ये हाई है तो ये देखिए इसका इमिटर पॉइंट यहाँ वीसी से कनेक्टेड है तो यहाँ पर हमें ये वोल्टेज मिल जाएगा। इस प्रकार से इसका एक ट्रूथ टेबल को बनाया गया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट गेट पर चलते हैं।
एंड गेट। काफी ज्यादा हमारा लैपटॉप में ये यूज होता है, तो आपको इसको याद रखना है। मल्टी इनपुट, मल्टी इनपुट उस और गेट में भी मल्टी इनपुट हो सकते हैं, जैसा हमने देख लिया, एक इनपुट भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। मल्टी इनपुट और वन आउटपुट, मल्टी इनपुट हो सकते हैं और एक आउटपुट होगा, इसके अंदर आउटपुट एक ही होगा। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है सिंबल को, ये एंड गेट को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये इनपुट ए, इनपुट बी और आउटपुट में हमें वाई आउटपुट दिखाया गया है। बुलियन एक्सप्रेशन, इसका प्रोग्राम क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो वाई इज इक्वल टू ए इंटू बी, मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है इसके अंदर, इस फॉर्मूले से ये तैयार होता है, इस फॉर्मूले के हिसाब से ये आईसी काम करता है। अगर ए को हम लो लेते हैं, बी को लो लेते हैं, लो का मतलब जीरो जीरो, तो इन दोनों को जीरो जीरो को गुणा करेंगे तो वापस जीरो आया, तो आउटपुट हमें लो ही प्राप्त होगा। अगर हमने ए को हाई लिया, ए को हाई ले लिया और बी को हमने लो ले लिया, मतलब जीरो, तो वन इंटू जीरो कितना होता है, जीरो, जीरो को किसी से भी गुणा करो जीरो होता है, तो आउटपुट में हमें लो प्राप्त होगा। ए को मैं लो ले लेता हूँ, बी को हाई ले लेता हूँ, तो वन इंटू जीरो, जीरो को किसी से गुणा करे जीरो आता है, तो आउटपुट में हमें लो प्राप्त होगा। सॉरी, यहाँ पर जीरो है, वन लिख गया, यहाँ पर जीरो है, जीरो प्राप्त होगा। और दोनों हम अगर हाई हाई लेते हैं, वन इंटू वन, दोनों हम हाई लेते हैं तो हमें हाई प्राप्त होगा, वन इंटू वन वापस वन आएगा तो हमें हाई प्राप्त होगा। तो इसका हम ट्रुथ टेबल भी बना लेते हैं, थ्री इनपुट ए बी सी और वन आउटपुट, ए इंटू बी इंटू सी, लो लो हाई, क्या गुणा होगा इनका, वापस जीरो आएगा, लो, ये लो, ये हाई, ये लो, तीनों का गुणा जीरो। इस प्रकार से इसका एक ट्रुथ टेबल बन जाएगा, जैसा आप देख पा रहे हैं। इसके अंदर अगर ये हाई 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 तीनों हाई लिया तो हमें हाई प्राप्त होगा, मतलब इसके अंदर ऐसा है एक भी इनपुट लो हो गया आपका तो आउटपुट हमें लो प्राप्त होगा। तो आउटपुट हाई कब प्राप्त होगा, जब तीनों हाई होंगे, मतलब सभी का हाई होना जरूरी है तभी हाई निकलेगा, अगर एक भी लो हो जाता है तो आउटपुट लो हो जाता है। देखिए यहां पर दिखाया गया है इसको, वही ट्रांजिस्टर के एग्जाम्पल से दिखाया गया है इसको। यहां पर वीसीसी है, यहाँ पर इनपुट पहले हम इसको ले लेते हैं जीरो जीरो, ये लो है, ये भी लो है, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, जैसा आप देख पा रहे हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर, अगर इसका बेस नेगेटिव है तो ये क्या होता है, ऑफ रहता है, ऑफ रहता है, तो ये वीसीसी यहाँ से यहाँ पर नहीं आएगा, और जब यहाँ पर ही इस पॉइंट पर कोई सप्लाई नहीं है क्योंकि ये ऑफ है, तो ये चीज यहाँ नहीं आई, वीसीसी यहाँ नहीं आई, तो यहाँ से यहाँ भी नहीं जाएगी क्योंकि ऑफ है ये भी, तो यहाँ पर आउटपुट में हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, तो ये कंडीशन आएगी, लो लो आउटपुट लो। बी को हम क्या करते हैं, लो, ए को क्या करते हैं हम हाई, तो ये ऑन हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा, तो वीसीसी इस पॉइंट पर आ जाएगा, लेकिन बी क्या है, लो है, तो ये ऑन नहीं होगा, ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होगा, तो यहाँ पर जो चीज है वो जो इसके कलेक्टर में वोल्टेज आया इस समय, जो वीसीसी यहाँ पर शिफ्ट हुआ वो इधर एमीटर पे नहीं आएगा, तो आउटपुट हमें नहीं मिलेगा। तीसरी कंडीशन चलते हैं, इसको लेते हैं, ए हमारा लो है और ये हमारा हाई है, ये हमारा लो है तो ये ट्रांजिस्टर आपका ऑफ रहेगा, तो वीसीसी यहाँ से यहाँ नहीं आएगा, तो यहाँ पे जीरो वोल्ट, ये हाई है, ये ट्रांजिस्टर वर्क करेगा, तो यहाँ पर कोई स्थाई नहीं, ये कनेक्टिविटी तो होगी लेकिन आउटपुट में कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर दोनों गेट हाई है, ये भी वर्क कर रहा है, तो वीसीसी यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, ये भी हाई है तो ये भी वर्क ऑन है, तो ये यहाँ का जो वीसीसी यहाँ शिफ्ट हुआ था, इस वीसीसी को यहाँ शिफ्ट कर देगा तो हमें यहाँ पर आउटपुट में रिजल्ट मिल जाएगा। तो दोनों का हाई होना जरूरी है, दोनों आउटपुट हाई होंगे तभी आउटपुट हमें हाई प्राप्त होगा, दोनों इनपुट हाई होंगे तो आउटपुट हमें हाई प्राप्त होगा, और कोई भी इनपुट लो हो गया तो आउटपुट हमें लो प्राप्त होगा।
यहाँ पर एक और एग्जांपल है आपके सामने, देखिए यहाँ पे दिखाया गया है 5 वोल्ट, इस ट्रांजिस्टर पर 5 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट इधर भी है इधर भी है, ये हमने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करने का मतलब हमने इसको हाई किया, ये स्विच भी हमने ऑन किया तो हाई हुआ, हाई हुआ तो ये मोस्ट ट्रांजिस्टर लग रहा है, इसका बेस जो है पॉजिटिव हो गया, मतलब ये ट्रांजिस्टर हमारा ऑन हो गया, ऑन हो गया तो इस 5 वोल्ट को ही यहाँ पर शिफ्ट कर देगा, ये भी ऑन है तो इस 5 वोल्ट को ही यहाँ पर शिफ्ट कर देगा, रेजिस्टर लगा के यहाँ पे वोल्टेज का प्रोटेक्शन कर दिया, और ये हमारा डायोड लगा हुआ है, इसका ये पॉजिटिव सिरा है, ये नेगेटिव सिरा ग्राउंड हो रहा है, तो इस पर 5 वोल्ट की यहाँ पर सप्लाई आ गई, 5 वोल्ट की जैसे यहाँ पे सप्लाई आ जाती है तो ये ग्लो हो जाता है, ये बल्ब जलने लग जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, दोनों इनपुट हाई हाई थे तो आउटपुट हमें हाई मिला, हमारा बल्ब जला। मैं इसको लो कर देता हूँ, मतलब स्विच ऑफ रखते हैं, इसको स्विच ऑफ रखा हमने और इसको स्विच ऑन रखा दूसरे को, तब क्या होगा, ये ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होगा, ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होगा तो यहाँ पे 5 वोल्ट नहीं आएगा, यहाँ पर 0 वोल्ट, लेकिन हमने इसको ऑन करा रखा है ट्रांजिस्टर को, ये ऑन है तो यहाँ का 0 वोल्ट यहाँ पर शिफ्ट होगा, लेकिन ये बल्ब 0 वोल्ट से तो जलेगा नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, आउटपुट में रिजल्ट हमें लो प्राप्त होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको हाई कर देता हूँ, इसको लो कर देता हूँ, देखिए आई होगा, ये 5 वोल्ट हमारा कलेक्टर मीटर पे ट्रांसफर हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे 5 वोल्ट मिलने लग जाएगा, इसको हमने लो कर दिया तो ये ऑन नहीं होगा, ऑन नहीं होगा तो इसकी कनेक्टिविटी नहीं होगी, तो यहाँ पर 0 वोल्ट रहेगा, और 0 वोल्ट की कंडीशन में बल्ब नहीं जलेगा, तो हमारा आउटपुट लो। अब मैं दोनों को लो कर देता हूँ, लो लो, तो दोनों ट्रांजिस्टर ऑफ है तो 5 वोल्ट यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा, तो ये बल्ब वैसे ही ग्लो नहीं होगा, तो आउटपुट लो, मतलब एनी इनपुट लो आउटपुट आल्सो लो। तो इसके लिए एंड गेट के लिए क्या है, सभी इनपुट का हाई होना आवश्यक है तभी ये वर्क करेगा। ये एक आईसी को हमने दिखाया गया है, यहाँ पर 5 लेग का ये आईसी है, 5 लेग में से इसके 2 लेग एक ग्राउंड के लिए यूज किया गया है और एक सप्लाई के लिए यूज किया गया है, मतलब कोई भी आईसी लगता है तो उसको सप्लाई और ग्राउंड चाहिए तभी वो काम करेगा, तभी उसके इंटरनल जो फंक्शन या फॉर्मूला हमने उसके अंदर है तो वो चीज वर्क करेगी, इसको सप्लाई और ग्राउंड चाहिए। और 3 लेग जो बचे वो 2 पे इनपुट है और 1 पे आउटपुट लिया गया है। इस तरह का काफी आईसी हमारे लैपटॉप में डेस्कटॉप में यूज किया जाता है, ये फिजिकल शेप है इसकी इस तरह से। ये हमारा एंड गेट आईसी को हमने दिखाया है यहाँ पर, इस तरह से इसका व्यू है। ये आपका पिन नंबर 5 इसका सप्लाई पिन है, पिन नंबर 4 इसका आउटपुट है। जब भी आप किसी आईसी पे या स्टेमेटिक पे देखेंगे ए बी वाई या ओ लिख रखा, आउटपुट के लिए ओ भी लिख देते हैं, तो वहां पर लॉजिक गेट्स का आईसी लगा होता है, उसको देख के आपको पहचानना है कि एंड गेट आईसी लगा है और गेट आईसी लगा है, किस प्रकार का आईसी लगा है। पिन नंबर 3 इसका ग्राउंड है, ये 2 इस पर इनपुट हैं। अब ये 2 इनपुट डिपेंड करते हैं, आउटपुट किस पे डिपेंडेंसी रखता है कि इनपुट क्या आ रहे हैं इस पे डिपेंडेंसी रखता है। जैसे आपके लैपटॉप है उसके वाईफाई स्लॉट के पिन नंबर 22 पर हमारा पीएलटी रिसेट हम चेक करते हैं, अगर ये पिन वाई वाला पिन पीएलटी रिसेट वाईफाई के पिन नंबर 22 से जोड़ दिया, अगर वहां पर हमें पीएलटी रिसेट मिल रहा है तब हम क्या करेंगे, उसको बैक ट्रेस करेंगे, वहां से कॉपी बैक ट्रेस करेंगे तो हमें एक आईसी पे पहुंचाएगा, इस तरह की आईसी पे उसने हमें पहुंचाया। आईसी को हम वहां पर देखेंगे एस्टिमेटिंग किस तरह का आईसी है, भाई ये तो एंड गेट आईसी है, तो फिर हम क्या है उसकी आईसी की सप्लाई ग्राउंड देखेंगे, आईसी पे सप्लाई ग्राउंड आ रहा है तो फिर हम उसके इनपुट को देखेंगे कि इनपुट आ रहा है नहीं आ रहा, 1-2 इनपुट है तो उनमें से अगर एक इनपुट भी लो है तो आउटपुट नहीं निकालेगा, तो हमें वो चीज उस तरह से ट्रेस करनी है पॉइंट टू पॉइंट, फिर उन दोनों इनपुट को ट्रेस करेंगे तो हमें हमारा फॉल्ट मिल जाएगा। बी डाटा इनपुट पिन नंबर 2, ए डाटा इनपुट
नंबर तीन ग्राउंड, चार आउटपुट, पांच वीसीसी सप्लाई वोल्टेज का। ये हमने सर्किट से एक एंड गेट आईसी को दिखाया आपको। इसके अंदर देखिए ये एंड गेट आईसी लगा हुआ है, ये पिन नंबर पांच इसका सप्लाई पिन है। सप्लाई पिन को देखिए 3 वोल्ट पीसीएच अंडरस्कोर पीसीएच से जोड़ा गया है। यहाँ पर हमें इसका सप्लाई पिन है, ये पिन नंबर 3 इसका ग्राउंड पिन है, पिन नंबर 1 और 2 इसका इनपुट पिन है, वाई इसका आउटपुट पिन है। आउटपुट पिन से आपका देखिए वीडीडी पीडब्ल्यूआर जीडब्ल्यूडी वीडीडी पावर बोर्ड ये निकल रहा है। अगर ये नहीं मिल रहा है आपको तो आप इस आईसी पे आएंगे, आईसी पे आएंगे तो सप्लाई ग्राउंड चेक करेंगे, उसके बाद में इसका इनपुट चेक करेंगे। इनपुट चेक करेंगे तो आप इसके दोनों इनपुट को आप ट्रेस करेंगे। तो देखिए सिस्टम पावर ओके, एक तो ये है इसका इनपुट। अगर ये सिस्टम पावर ओके नहीं आ रहा है तो आपका ये नहीं निकलेगा। दूसरा इसका इनपुट आप देखेंगे तो पीएम डीरैम पावर गुड ये सिग्नल है। अगर ये इन दोनों में से कोई भी मिसिंग है तो आपको आउटपुट में ये नहीं मिलना है, तो इस पे दोनों का आना जरूरी है। रिपेयरिंग में बहुत से क्या करते हैं, ये आईसी नहीं मिल रहा है, इस आईसी को वो रिमूव करके इनपुट ए और बी में से जो आ रहा है उसको आउटपुट से कनेक्ट कर देते हैं। तो ऐसा रिपेयरिंग में बहुत सी जगह किया जाता है, लेकिन सही वही होता है अगर कहीं आईसी लगा हुआ प्रॉपर वही आईसी लगाएं या उस सर्किट को देखें आउटपुट में वोल्टेज रिक्वायरमेंट क्या है उस स्टेज को देखते ही काम करें, हमेशा ये करना सही नहीं होता है। तो इस तरह से ये आईसी का यूज होता है, कोई दो इनपुट इस पे सिग्नल दे दिए तो आउटपुट में भी हमारा कोई ऐसा सिग्नल निकल रहा है वो हमें नहीं मिल रहा है तो हमें इस तरह से इसको ट्रेस करना है। जरूरी नहीं हमेशा इनपुट ही नहीं आए तो उसके साथ में कभी कोई कैपेसिटर वैपेसिटर लगा होता है तो वो लीकेज या शॉर्ट हो जाता है, तब भी इस तरह का प्रॉब्लम हो जाता है। ये एक और हमारा एंड गेट आईसी दिखा है, देखिए इसमें इन इन वन इन टू मतलब ये इनपुट है और ये और जो दे रखा है इसका आउटपुट है। पिन नंबर 3 इसका ग्राउंड है, ये ग्राउंड को दिखाया गया है। ये इसका सप्लाई पिन है, पिन नंबर 5 3 वोल्ट वीएस। अब सपोज मान लीजिए अगर आपका ये केप खराब हो गया तो यहाँ पर ये आईसी काम नहीं करेगा, तो आईसी पे ये जो इनपुट है अगर इनपुट आ भी रहे तो आउटपुट नहीं निकालेगा क्योंकि आईसी पे सप्लाई होना जरूरी है। यहाँ पर इनपुट है ये पीसीएच पीएलटी आरएसटी हैश, ये आपके इनपुट में है तो आपका पीएलटी रिसेट तभी निकलेगा जब ये आईसी प्रॉपर वर्क करेगा। अगर ये नहीं मिल रहा है तो आपको बैक ट्रेस करके यहाँ आना है, इस आईसी को चेक करना है, इस आईसी पे लगे कंपोनेंट को चेक करना है। कभी कभी क्या होता है जो हमारा सिग्नल होता है वो सिग्नल पर वोल्टेज नहीं होने के कारण भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो आपको सर्किट के अकॉर्डिंग देख लेना है कि आपके सिग्नल पर वोल्टेज नहीं है तो आप उसको भी ट्रेस करें, क्योंकि वोल्टेज कभी कभी सिग्नल पर वोल्टेज पुलअप तो होता ही है तो वहां पर रजिस्टर लगाया जाता है तो रजिस्टर फॉल्टी हो गया हो, बहुत सारी चीज होती है सर्किट के अंदर, या आपका पुल डाउन रजिस्टर में आपके प्रॉब्लम हो गई हो। यहाँ पर जो रजिस्टर देख रहे हैं आप ये पुल डाउन रजिस्टर है, ये रजिस्टर का ओके होना भी जरूरी है। यहाँ पर भी एक आईसी को दिखाया गया है, ये इनपुट है, ये इनपुट है, ये आउटपुट निकलना है इससे, तो इसके लिए हम रिक्वायरमेंट चेक करेंगे सप्लाई ग्राउंड इनपुट में हमारे ये दोनों आ रहे हैं। अगर एक भी मिसिंग है तो हमें ये आउटपुट नहीं मिलेगा तो दोनों का आना आवश्यक है। यहाँ पर ये एक बाईपास मेथड आपको ऑलरेडी मिल रहा है स्टेमेटिक से, कभी आपके ये सिग्नल नहीं आ रहे हैं दोनों तो आपको इनमें से जो ये पीसीएच पीएलटी आरएसटी है अगर आपके आ रहा है तो आप एक 0 ओम के रजिस्टर को लगा के यहाँ से आउटपुट वाली लाइन पे कनेक्ट कर दीजिए और आईसी को आप निकाल दीजिए।
तब भी आपका काम हो जाएगा। ये हमारे एंड गेट आईसी को यहाँ पर दिखाया गया है, IC7408। देखिए यहाँ पर ये एक आईसी है जिसके अंदर बहुत सारे एंड गेट आईसी का यूज किया गया है। पिन नंबर 13, पिन नंबर 12 इनपुट पिन है, पिन नंबर 11 आउटपुट पिन है। अगर हमारे इनपुट में कोई प्रॉब्लम है तो आउटपुट में हमें प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगी। अगर हमारे दोनों इनपुट सही हैं, फिर भी आउटपुट नहीं निकल रहा है तो हमारा आईसी फॉल्टी है। तो हमने एंड गेट आईसी से क्या सीखा कि एनी इनपुट लो आउटपुट आल्सो लो। तो एंड गेट आईसी के लिए हमें ये चीज को याद रखना है, इस चीज को याद रखना है। तो ये हमारा एंड गेट भी खत्म। इसके बाद में चलते हैं हम नॉट गेट। नॉट गेट एकदम उल्टा से काम करता है, जैसा कि इसके वर्ड से पता है, नॉट नहीं करूंगा, उस तरह से, मतलब हर काम को उल्टा करता है। तो ये गेट उल्टा काम करता है, अगर इनपुट लो है तो आउटपुट हमें हाई प्राप्त होगा, और अगर आउटपुट हमारा हाई है, इनपुट हमारा हाई है तो आउटपुट हमें लो मिलेगा। मतलब इनपुट हाई तो आउटपुट हमें लो देगा, इनपुट लो है तो आउटपुट हमें हाई देगा, इस तरह से वर्क करता है। वो इसका फॉर्मूला देखेंगे तो वाई इक्वल्स टू ए बार, ए बार या ए डैश ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ए डैश, इसको क्या बोलते हैं, डैश या बार। ये जो लगा हुआ है ये बार है और ये जो लगा हुआ है ये डैश है। देखिए अगर ये इनपुट अगर हमारा इसको हाई देते हैं नॉट गेट को, ये क्या करता है आउटपुट में हमें लो देता है। अगर इनपुट में हम इसको लो देते हैं तो आउटपुट में हमें हाई देता है। y equals to a dash या इसको a bar, इनपुट a लो देन आउटपुट हाई, इनपुट a हाई देन आउटपुट लो। इनपुट a में हम लो देंगे तो आउटपुट में हमें हाई मिलेगा, इनपुट a में हम हाई देंगे तो आउटपुट y में हमें लो मिलेगा। ये इसकी आईसी नॉट गेट आईसी को दिखाया गया है। पिन नंबर 13, पिन नंबर 12, पिन नंबर 11, पिन नंबर 10। देखिए ये सिंबल आप अच्छी तरह से देख लीजिए, इसमें ये सिंबल देख रहे हैं, ये साइड पे आपका इनपुट है, ये साइड पे आपका आउटपुट है। जब भी आप किसी की डेटा शीट देखेंगे तो आपको इस प्रकार से दिखाई देगा, ये पिन नंबर 13 इसका इनपुट है, पिन नंबर 12 आउटपुट है। अगर पिन नंबर 13 पर इनपुट आ रहा है और पिन नंबर 12 से आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है तो ये आपका आईसी फॉल्टी है। पिन नंबर 13 पे आपको लो होगा तो पिन नंबर 12 से आपको हाई प्राप्त होगा, अगर पिन नंबर 12 से आपको लो प्राप्त हो रहा है तो आपका आईसी खराब होगा। तो इस तरह से हम इस गेट को समझते हैं, ये गेट उल्टी तरह से काम करता है। ये हमारा एंड गेट था, इसके अंदर हमने दो इनपुट दिखाए थे और ये आउटपुट था। अगर यहाँ पर आपको सर्किल देखने को मिल रहा है तो आपका ये एंड गेट और नॉट गेट दोनों मिक्स है इसके अंदर। तो यहाँ पर क्या है, इस तरह से इसका डायग्राम को आप समझ सकते हैं। तो ये जो चीज देख रहे हैं यहाँ पर नॉट गेट है, नॉट गेट लगा हुआ है, यह आपका आउटपुट है वाई, यह आपका इनपुट ए, यह आपका इनपुट बी। अगर इसका आप ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो किस प्रकार से बनेगा, ए को हम दे देते हैं ये बी और यह आपका आउटपुट, इसको मैंने लो दिया, यहां पर हमने लो दिया। तो एंड गेट पे जैसा आप जानते हैं अगर एंड गेट के इनपुट पर लो है तो आउटपुट में हाई प्राप्त होगा, तो हमने इसको लो दिया तो यहाँ पर हाई हो जाता है। हाई होने का मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पर वन, जीरो दिया था तो यहाँ पर हो गया वन। बी को हमने लो दिया, बी को हमने जीरो दिया, तो देखिए इसके इनपुट पर हाई और लो,
जैसा आपको एंड गेट का प्रॉपर्टी पता है, एनी इनपुट लो आउटपुट आल्सो लो, तो आउटपुट में हमें लो प्राप्त होगा। अगर हम इसको हाई देते हैं, इसको भी हाई देते हैं, देखिए यहाँ पर हाई गेट जा कर देगा, लो कर देगा। एनी इनपुट लो आउटपुट आल्सो लो, ए को हमने लो दिया, बी को हमने हाई दिया, इसको लो दिया तो करेगा यहाँ पर इसको हाई कर देगा, बी पर ऑलरेडी हाई है तो दोनों इनपुट हाई है तो आउटपुट में हमें हाई प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से इसका ट्रूथ टेबल बन जाता है। ये किसी भी गेट के साथ लग सकता है इस तरह से, तो आपको इस तरह का स्मॉल सर्किल अगर नजर आ रहा है तो वहां पर नॉट गेट लगा हुआ है, तो नॉट गेट से आप रिजल्ट को निकाल सकते हैं। नॉट गेट आपके रिजल्ट को चेंज कर देता है, अगर लो है तो हाई बना देगा, हाई है तो लो बना देगा, लो है तो हाई बना देगा। इसके बाद में चलते हैं चौथे गेट पर, नैंड गेट। यह गेट हमारा एंड गेट और नॉट गेट से मिलकर बना होता है। जैसे हम यहाँ पर ये सर्किल देख रहे हैं, यहाँ पर आप एक सर्किल देख रहे हैं, ये आपके नॉट गेट को दिखा रहा है। मतलब ये फिगर को आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, ये इसके इनपुट है, यहाँ तक आपका एंड गेट आईसी है, यहाँ पर आपका ये नॉट गेट लगा हुआ है, ये आपका नॉट गेट लगा हुआ है इस तरह से है। तो जैसा आपको पता है एंड गेट आईसी के अंदर दो इनपुट है, ये आपका आउटपुट है और ये आपका फाइनल आउटपुट है। यहाँ पर हम x मान लेते हैं, यहाँ पर y को फाइनल आउटपुट मान लेते हैं। तो एंड गेट आईसी में आपने पढ़ा है ये हाई है, ये हाई है, दोनों इनपुट हाई होते हैं तो आउटपुट हमें हाई प्राप्त होता है, और एंड गेट पे इधर इनपुट में हाई है तो ये क्या करता है, इसको लो कर देता है। तो ये इसका प्रॉपर्टी होता है। इसका फॉर्मूला आप देखेंगे तो y इज इक्वल टू ए इंटू बी का डैश, इस चीज को डैश बोलते हैं, या इस पर बार लगा सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर दो इनपुट को दिखाया गया है और आउटपुट y है, ये एंड और नॉट मिलके नैंड गेट बनता है। जैसे आपको पता है एंड गेट का आउटपुट क्या होता है, दो इनपुट उस पर ए और बी है तो आउटपुट y इज इक्वल टू ए इंटू बी होता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। और नॉट गेट, नॉट गेट में ये आउटपुट क्या हो जाता है, जो अगर लो है तो हाई बना देता है, मतलब उल्टा करता है, तो इसका हमने यहाँ पर डैश ले लिया, ए बी का डैश, इस तरह से रिजल्ट को कर देगा। तो फाइनल हमारे पास फॉर्मूला क्या बन के आएगा, वाई इज इक्वल टू ए इंटू बी का डैश, थ्री इनपुट ए बी सी, आउटपुट वाई है, तो वाई इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी का डैश। ए इंटू बी इंटू सी किससे ले रहे हैं, हम एंड गेट से, और ये डैश हमने किससे लगाया, इस पे नॉट गेट से। तो अगर ये लो है, ये लो है, ये लो है, तो मल्टीप्लिकेशन क्या हुआ इनका, जीरो। तो जीरो का आप उल्टा करेंगे एंड गेट, नॉट गेट यहाँ पर अपना काम करेगा, इसको उल्टा करेगा तो इसको हाई कर देगा। इस तरह से ये ट्रूथ टेबल बना हुआ है, तीनों इनपुट हाई लिए, वन इंटू वन इंटू वन वन हुआ, तो ये वापस क्या कर देगा, हाई को लो कर देगा। ये एक नैंड गेट आईसी को दिखाया गया है, इसमें ये पिन नंबर 13, पिन नंबर 12 इसका इनपुट पिन है, पिन नंबर 11 आउटपुट पिन है, फिर से वही पिन नंबर 12 13 को आपको चेक करना है। अगर 12 13 पर आपका इनपुट आ रहा है या आईसी आउटपुट नहीं दे रहा है तो आईसी खराब है। 7400 हमारे और गेट और नॉट गेट से मिलकर बना होता है। इस तरह से इसको दिखाया गया है, ये इनपुट ए इनपुट बी और ये आपका आउटपुट होता है वाई, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी का डैश। ये ए प्लस बी कहाँ से आया आपका, आपके और गेट से, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था और गेट पे दो इनपुट है तो वो दोनों इनपुट प्लस हो जाते हैं और फिर इसका जो रिजल्ट आता है इसका हमें उल्टा कर देना है नॉट गेट की वजह से, तो ए प्लस बी का डैश या ए प्लस बी का बार, ये इसका फॉर्मूला होता है, बूलियन एक्सप्रेशन।
ए प्लस बी जो हम कर रहे हैं ये किसके लिए है, हमारे और गेट के लिए, और ये डैश लगाया हमने नॉट गेट के लिए बाद में इसमें। तो चलते हैं इसका, और गेट से जाएंगे हम, दो इनपुट है ए और बी, तो और गेट क्या कहता है, दोनों का टोटल। मान के चलिए ये हाई है, तब हमारा बाद में क्या है, नॉट गेट है, इन्वर्ट करता है ए प्लस बी के डैश को, किया हाई आ रहा था तो ये लो में बना देगा, या पहले लो था तो हाई कर देगा। ए इक्वल्स टू जीरो लो लिया, बी इक्वल्स टू जीरो लो लिया, तुम्हारा रिजल्ट क्या होगा, जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो का डैश जीरो का, नॉट गेट क्या करेगा, लो को हाई कर देगा, तो आउटपुट में हमें हाई मिलेगा। देखिए इसी प्रकार से ए हमने हाई ले लिया और बी हमने लो ले लिया, टोटल हुआ वन मतलब हाई, एंड गेट नॉट गेट क्या करेगा, इसको हाई को लो में बना देगा। इसी प्रकार से ये है, ए को हमने लो लिया, बी को हमने हाई लिया, और गेट से रिजल्ट क्या है हमारा, हाई, नॉट गेट क्या करेगा, इसको लो कर देगा। दोनों हाई लिए, वन प्लस वन वन जीरो, वन जीरो वन, जैसा हम पहले जान चुके हैं वन और वन, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जीरो वन होता है, जीरो के बाद में इसमें वन के बाद में ये आएगा, तो वन प्लस वन के बाद में क्या है, जीरो, वन प्लस वन है तो कैरी वन लगा, तो ये वन यहाँ लिख दिया, फिर वन प्लस जीरो किया तो वन आ गया। इस तरह से हमें चलना है। यहाँ पर क्या था कि वन प्लस वन मिलके क्या हो रहा है, अपने हिसाब से टू हो रहा है, लेकिन इसमें टू तो आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे, उसको यहाँ लिख देंगे और कैरी वन लगा देंगे। इसमें इस तरह से, इस मेथड से चलना है। सपोज मान के चलिए आपके पास तीन बार तीन इनपुट वन वन है, तो आपको किस प्रकार से ऐड करेंगे इनको, वैसे तो हाई आना है लेकिन आएगा कैसे, उस तरह से पहले हम दो को जोड़ेंगे, जानते हैं दो को जोड़ेंगे तो जीरो वन, इन दोनों को टोटल कर लेंगे। अब हमारे पास क्या हो गया, वन प्लस जीरो प्लस एक बचा हुआ वन, वन प्लस वन, वन प्लस वन वापस जानते हैं, वन प्लस जीरो इक्वल्स टू वन, तो इस तरह से हमें हाई वापस मिल जाता है। तो सभी इनपुट लो हैं तो आउटपुट हाई, कोई एक भी इनपुट लो है तो आउटपुट लो होगा, एक भी इनपुट हाई या लो है तो आउटपुट लो होगा। तो इसका ट्रूथ टेबल देख लीजिए, y इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, तीन इनपुट लिए हैं, हाई हाई हाई, तीनों हाई मिलके अंदर हाई बनेगा, लेकिन नॉट गेट क्या कर देगा, उसको लो कर देगा। तीनों इनपुट लो है तो इनका टोटल भी लो, तो नॉट गेट क्या करेगा, उसको हाई कर देगा, हाई लो लो, टोटल क्या होगा इसका, हाई, जैसा हमने और गेट में पढ़ा है, एक भी हाई है तो आउटपुट हमें हाई प्राप्त होता है, तो यह नॉट गेट इसको क्या कर देगा, लो कर देगा। ऐसे ये है, इसका ट्रूथ टेबल इस प्रकार से बन जाता है। ये आपके आईसी को बताया गया है, जैसा हम पहले देख चुके हैं, पिन डिटेल्स पे हमें चेक करना है, इनपुट के हिसाब से आउटपुट निकालता है। अगर आपके इनपुट रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है तो आपके फॉल्ट ये जहाँ से कनेक्टेड है वहाँ पर है, अगर इनपुट रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है उसके बाद ये आउटपुट नहीं दे रहा है तो आपका आईसी खराब है। 7402 ये आईसी है। तो इस प्रकार से ये हमारे गेट काम करते हैं डिजिटल सर्किट्स में। बस हमें प्रैक्टिकल इनका लॉजिक बताना चाहिए, एंड गेट में ये होता है, नॉट गेट में ये होता है, और गेट में ये होता है। कुछ एग्जांपल लिखता हूँ, आप कोशिश कीजिए उनको करने का, आप उनका सॉल्यूशन करने का।
ये आपका एंड गेट है, इस पर तीन इनपुट है 3.3 वोल्ट, 5.0 वोल्ट और 2.5 वोल्ट, ए बी सी। आप बता सकते हैं आउटपुट में क्या मिलेगा? एक और एग्जांपल मैं दे देता हूं, मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, ये हमारा और गेट है, ये हमारा एंड गेट है, और ये हमारा और गेट है। इस पर भी तीन इनपुट 3.3 वोल्ट, 5.0 वोल्ट और 2.5 वोल्ट, 5.0 है। यहां पर आउटपुट क्या मिलेगा हमें, आप लगाइए कैलकुलेशन। डेटा शीट खिला हुआ है BQ24725 का, इसके फंक्शनल डायग्राम पर चलते हैं, वो फंक्शनल डायग्राम को हम समझने का कोशिश करते हैं। हमने जो लॉजिक गेट्स पढ़ा है, क्या वो थोड़ा हमारा फंक्शनल डायग्राम को रीड करने में काम को इजी करते हैं? देखिए इसका फंक्शनल डायग्राम है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। देखिए हम यहाँ पर एक गेट को देख पा रहे हैं, जैसा आपको पता है ये एंड गेट है, और ये एक राउंड सर्किल देख रहे हैं, यहाँ पर नॉट गेट है। तो नॉट गेट और एंड गेट का यहाँ पर मिक्स है, यहाँ पर भी देखें तो नॉट गेट एंड गेट का मिक्स है, ये हमारा एंड गेट है, ये हमारा नॉट गेट को दिखाया है। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा कॉम्परेटर है, इस पर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर पहले से एक वैल्यू फीड है 3.75। जैसा आपको पता है कि VCC को हम 19 वोल्ट लेके चलते हैं लैपटॉप में, ये 19 वोल्ट को यहाँ फीड कर लेते हैं। AC डिटेक्ट का एक रेंज होता है, सपोज यहाँ पर मान लेते हैं AC डिटेक्ट 2.7 वोल्ट है हमारे पास, यहाँ पर भी कनेक्टेड है, तो यहाँ पर भी 2.7 वोल्ट, यहाँ पर भी 2.7 वोल्ट। हम इस IC के अंदर ये देखते हैं AC ओके वाला कंडीशन क्या है, लो है या हाई है, तो ये डिपेंड करता है हमारे इन दोनों पर, VCC और AC डिटेक्ट पर डिपेंड करता है। जैसा आपको पता है AC ओके वाले पिन पर एक रजिस्टर लगा के वोल्टेज पुलअप किया जाता है, सपोज मान के चलिए 3.3 वोल्ट इस पे पुलअप है, तो इसका कंडीशन क्या होगा, हाई होगा लो होगा, या अंदर एक JFET लगा हुआ है, ओपन ड्रेन कॉन्सेप्ट वाला, यहाँ पर ओपन ड्रेन कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है। यहाँ पर ओपन ड्रेन से मतलब ये है, यहाँ का अगर गेट हाई हो जाएगा तो ये हमारा AC ओके वाला पिन है वो लो हो जाएगा, क्योंकि ये गेट हाई होते पहले ये कनेक्टिविटी हो जाएगी, तो यहाँ का जो भी सारा वोल्टेज है वो ग्राउंड हो जाएगा। तो यहाँ पर रजिस्टर्स लिए गए, इस रजिस्टर के ऊपर ऊपर यहाँ तक तो आपको वोल्टेज मिलेगा, इसके नीचे वोल्टेज नहीं मिलेगा, और इस पिन को हम चेक करेंगे तो ग्राउंड से बीप देगा हमारा, तो उस कंडीशन में AC ओके लो होता है।
चलते हैं, ये कॉम्परेटर दिखाया गया है। इसके अंदर कॉम्परेटर कंपेयर करता है, इसके अंदर दो टर्मिनल होते हैं, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग। दो प्रकार के टर्मिनल हैं, ये प्लस वाला नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है और ये इन्वर्टिंग टर्मिनल है। इसके बारे में हम आगे जानेंगे, फिलहाल हम इसको इतना सा जानते हैं कि प्लस पर आप देखेंगे 3.75, माइनस पर आप देखेंगे 19 वोल्ट आ रहा है। तो यहाँ पर माइनस पर ज़्यादा है, माइनस पर ज़्यादा है तो ये लो निकालेगा, मतलब माइनस ज़्यादा है तो लो, आप इतना सा समझ लीजिए अभी फिलहाल इसको, क्योंकि हम इसके बारे में अगले वीडियो में अच्छी तरह से जानेंगे। फिलहाल हम एक इसको याद करने के हिसाब से, अब यहाँ पर देखिए प्लस पर ज़्यादा है, प्लस पर ज़्यादा है तो ये हाई निकालेगा, इतना सा हमें याद रखना है इसको। नेक्स्ट आगे चलते हैं, यहाँ पर भी देख लीजिए प्लस पर 2.75, माइनस पर 3.15 वोल्ट। तो यहाँ पर क्या निकालेगा, ये लो को निकालेगा, यहाँ पर हाई को निकालेगा। तो हमारा कॉम्परेटर का लगभग काम इसमें खत्म। यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर हमें नॉट गेट और एंड गेट आईसी मिल रहा है, मतलब ये जो देख रहे हैं इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, ये हमारा नॉट गेट लगा हुआ है पहले, ये जो सर्किल में आप देख रहे हैं, इसके बाद में ये हमारा एंड गेट आईसी बना हुआ है और ये इनेबल रीजन निकला हुआ है। तो देखिए यहाँ पर क्या निकल रहा है, लो, यहाँ पर लो आया और जैसा आपको पता है नॉट गेट क्या करता है, उल्टा कर देता है, लो को क्या कर देगा, ये हाई कर देगा। और यहाँ से देखें हम तो हाई आ रहा है इस पर, तो आउटपुट में हमें क्या प्राप्त होगा, हाई प्राप्त होगा। जैसा कि एंड गेट की हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा है, एनी इनपुट लो आउटपुट आल्सो लो, और सभी इनपुट हाई है तो ये हाई निकालेगा। तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, हाई प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हाई, यहां से भी चलते हैं यहां तक लो है, ये एंड गेट या नॉट गेट यहाँ पर क्या करेगा, हाई बना देगा। यहां से हाई आ रहा है तो दोनों इनपुट हाई हैं तो ये हाई निकालेगा। वीसीसी अंडरस्कोर एसआरएन ये भी हमारा हाई है, आप देख सकते हैं। तो इस पर तीनों इनपुट हाई हैं तो ये आउटपुट में हाई निकालेगा, यहाँ पे हाई है। नॉट गेट इसको क्या कर देगा, आप लो कर देगा, लो कर देगा तो इसका गेट इनेबल, गेट लो रहेगा तो ये जेफेट इनेबल नहीं होगा, तो इसका ग्राउंड अलग रहेगा और ये पिन नंबर 5 से जो कनेक्शन है ये अलग रहेगा इसका, मतलब इसके ड्रेन सोर्स अलग अलग रहेंगे। तो ये पिन हमें हाई में मिलेगा, तो इस पर ये वोल्टेज पुलअप है तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 3.3 वोल्ट मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम हमारी कैलकुलेशन को करते हैं, अगर हम गेट्स को नहीं समझेंगे तो यहाँ का कैलकुलेशन हमारा अधूरा रह जाएगा, तो इसलिए गेट्स को जानना बहुत जरूरी है। अब सपोज मान के चलिए आपका यहाँ का जो एसी डिटेक्ट का रेंज दे रखा है 2.4 से ज़्यादा होना चाहिए, सपोज मान के चलिए आपका यहाँ पर 2.2 वोल्ट आ रहा है, तब आपका कैलकुलेशन किस प्रकार से डिफरेंट हो जाएगा वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको 2.2, तो देखिए यहाँ पर तो हाई निकालेगा, 2.2 इससे कम हो गया तो यहाँ पे लो ही निकलेगा, सही है। यहाँ पर देखिए क्या निकलेगा, यहाँ पर हाई की जगह लो निकलेगा। यहाँ से ही आते हैं लो, ये हाई निकल रहा है तो यहाँ पर हाई आ जाएगा, यहाँ पर हाई, यहाँ से लो इसको हाई बना देगा, यहाँ पर लो आ जाएगा। तो जैसा आपको एंड गेट की प्रॉपर्टी बता, एनी इनपुट लो आउटपुट आल्सो लो, तो ये हमें लो प्राप्त होगा। अब देखिए ये हाई लेकिन ये लो, तो आउटपुट में हमें क्या होगा, लो प्राप्त होगा। एंड गेट का प्रॉपर्टी, एनी इनपुट लो आउटपुट आल्सो लो, ये लो यहाँ पर आएगा तो ये एंड गेट इसको क्या कर देगा, हाई कर देगा। हाई कर देगा तो हमारा जेफेट ऑन हो जाएगा, ऑन हो जाएगा तो पिन नंबर 5 की कनेक्टिविटी ग्राउंड से हो जाएगी, तो आपको यहाँ पर ये पिन लो मिलेगा और ये पिन लो मिलेगा। तो यहाँ से आगे जाके ये इंफॉर्मेशन चेंज होता है, एसी इन बन जाता है या एसी अंडरस्कोर इन बन जाता है, जो भी है वो आगे सर्किट में मिल जाएगा। वो आईओ पर कनेक्ट होता है, आईओ पर इंफॉर्मेशन जाता है एडेप्टर का, तो आईओ पर इंफॉर्मेशन नहीं जाएगा,
तो आपका लैपटॉप पावर ऑन नहीं होगा। तो इससे ओके लाइन को हमें आयु तक चेक करना होता है, तो ये लो जा रहा है, तो ये लो क्यों जा रहा है, तो इसकी कंडीशन को हम इस प्रकार से चेक करेंगे। कभी कभी एसी डिटेक्ट सही होता है लेकिन ये वीसीसी सही नहीं आ रहा होता है। जो एक्स का एक रेंज दिया होता है वो आप डेटा शीट से रीड करते हैं क्या रेंज है, उसके बीच में अगर ये वीसीसी इसको नहीं मिल रहा है तब भी हमारा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस प्रकार से हम गेट का यूज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई आपको इश्यू है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपने इसका आंसर वैसे निकाल लिया होगा। अगर आपने आंसर निकाल लिया है तो मैं बता देता हूं। इसके अंदर ये हमारा ऊपर एंड गेट आईसी है, एंड गेट आईसी पे तीन इनपुट है, तो एंड गेट आईसी की प्रॉपर्टी क्या कहती है, तीनों इनपुट हाई होने चाहिए, तो हाई निकालेगा और एक भी इनपुट लो हो जाता है तो आउटपुट हमें लो प्राप्त होता है। तो ये देखिए ये यहाँ पर लो है 2.5 वोल्ट, तो हमें आउटपुट में 2.5 वोल्ट मिलेगा। इसी प्रकार नीचे है और गेट, और गेट का प्रॉपर्टी है एक भी इनपुट हाई है तो हमें आउटपुट में हाई प्राप्त होगा, तो यहाँ पर हाई 5.0 है तो आउटपुट में 5.0 वोल्ट हमें मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम गेट का यूज करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।